आज इस साग को काशी सुप्पू कहते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा साग है। काशी सुप्पू साग की चटनी बनाएंगे। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, साग को ऐसा धो के लिया है, अदरक, ग्रीन मिर्ची, हल्दी, नमक, जीरा, तेल, टमाटर, कड़ी पत्ता, सरसों। अभी इसको बनाने का विधि देखेंगे। एक बर्तन में साग डाल रही हूँ, ग्रीन मिर्ची, जीरा, हल्दी, नमक, टमाटर, अदरक डाल रही हूँ पकने के लिए, थोड़ा सा पानी, एक कप जितना पानी। इसको थाली बंद करके एक 10 मिनट पका लेंगे। देखिए ये पक गया है, इसको एक फिल्टर में फिल्टर कर देंगे, पानी अलग और ये साग अलग। अभी इसको ठंडा करके एक मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। इसको थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्सी कर लेंगे। अभी कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद सरसों राई डाल रही हूँ। हींग, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची, एक लाल मिर्ची डाल रही हूँ। अभी ये पीस के रखा है ना साग, वो भी इसमें डाल रही हूँ। इसको थोड़ा, वो पानी जो रखा था ना, वो मिक्सी धो के वो भी इसमें डाल रही हूँ। अभी इसको 2 मिनट पकाएंगे। देखिए इतना अच्छा चटनी रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। काशी सुप्पू चटनी रेडी। ये चावल के साथ, चपाती के साथ बहुत अच्छा होता है। काशी सुप्पू चटनी रेडी।